हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉलिंग क्लासेस में। आज के इस वीडियो में यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि आपका जो यहाँ पर स्कूलों का विकास के लिए यहाँ पर देख सकते हैं बताया जा रहा है कि स्कूलों को मिलेंगे 50-50 हज़ार छोटे कार्य करा सकेंगे, यानी कि यहाँ पर स्कूलों को जो पैसे यहाँ पर दिए जाने हैं ताकि स्कूलों के यहाँ पर विकास हो सके। जो भी स्कूल में आप पढ़ाई करते हैं वहाँ पर शौचालय, इन सभी से जुड़ी हम देखेंगे कौन कौन से और विकास किए जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको शिक्षा जगत से जुड़ी हर एक जानकारी दी जाती है। तो देख सकते हैं यहाँ पर बताया जा रहा है कि राज्य के सभी यहाँ पर सरकारी स्कूलों को छोटे छोटे मरम्मत कार्य कराने के लिए शीघ्र ही 50-50 हज़ार रुपये दिए जाएंगे। यानी कि यहाँ पर छोटे मोटे मरम्मत कार्य स्कूलों में कराने के लिए सभी यहाँ पर सरकारी स्कूल को दिए जाएंगे 50-50 हज़ार रुपये। और शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी यानी कि DO को निर्देश किया है और बताया गया है कि वह जो है सभी स्कूलों के बैंक खाते में अविलंब यह राशि हस्तांतरित करें। सभी जो स्कूल के यहाँ पर बैंक खाते में यह राशि जो है भेजना है ताकि स्कूलों में जो भी नॉर्मल मरम्मत कार्य है वह समय पर किया जा सके। और आगे हम आप लोगों को अगर बता दें तो स्कूल के प्रधानाध्यापक आवश्यकता अनुसार मरम्मत कार्य कराएंगे, जिससे विद्यार्थियों को पठन पाठन में असुविधा नहीं हो और सभी सुविधाएं स्कूल में उपलब्ध रहें। यानी कि जो भी आपके स्कूल में अभी सुविधाएं नहीं है तो सभी को यहाँ पर पूर्ति करने के लिए प्रिंसिपल को यह जो है जिम्मेवारी दी जाती है, 50,000 रुपये अकाउंट में भेजा जा रहा है। तो ज़रूर अपने प्रिंसिपल से संपर्क करें और उनसे जो भी आपके स्कूल में जो भी छोटा मोटा कार्य मरम्मत कराना है सभी के बारे में जानकारी लें। और विभाग ने सोमवार को DO को लिखे पत्र में कहा है कि 1 अप्रैल 2024 को सभी जिलों को राशि आवंटित की गई है जिससे स्कूलों को हस्तांतरित करना है। यानी कि अगर हम बात करें तो 1 अप्रैल को ही सभी जो डिस्ट्रिक्ट है इसको जो है यह राशि दे दी गई है और अब बस स्कूल को यह जो है यहाँ पर हस्तांतरित करना है। और आगे यहाँ पर दिया हुआ है कि विभाग ने यह स्पष्ट किया है कि स्कूलों के बैंक खाते में 50,000 रुपये हमेशा उपलब्ध रहने चाहिए, यानी कि स्कूल के जो भी अकाउंट है उसमें 50,000 रुपये हमेशा होना चाहिए ताकि यहाँ पर राशि के अभाव में मरम्मत कार्य रुके नहीं, यानी कि राशि के पैसे के यहाँ कमी नहीं हो और मरम्मत कार्य चलता रहे, इसके लिए ऐसा किया जा रहा है। और उदाहरण स्वरूप किसी स्कूल में 35,000 का मरम्मत कार्य कराया जाता है तो प्रधानाध्यापक की खर्च की गई राशि का मूल बिल जिला शिक्षा कार्यालय में समर्पित करेंगे। यानी कि अगर 35,000 खर्च कराते हैं तो जो भी बिल यहाँ पर रहेगा वो यहाँ पर जो भी जिला शिक्षा पदाधिकारी ऑफिस है वहाँ पर देंगे और उसके द्वारा 35,000 रुपये स्कूल के बैंक खाते में हस्तांतरित कर दिए जाएंगे। यानी कि अगर प्रिंसिपल अपने खाते से अगर कोई भी खर्च करता है तो उसे फिर से जो है शिक्षा विभाग के द्वारा उसके पैसे, यानी कि उदाहरण स्वरूप यहाँ पर 35,000 का एग्जांपल लिया गया तो 35,000 उसको वापस कर दिया जाएगा। और विभाग ने यह भी कहा है कि स्कूल में होने वाला जो भी इन कार्य के लिए जो बिल में मजदूरी और सामग्री का अलग अलग हिसाब रहेगा और एक इस पर प्रधानाध्यापक के अलावा स्कूल के एक वरीय शिक्षक का हस्ताक्षर भी अनिवार्य रूप से रहेगा। यानी प्रिंसिपल के अलावा एक स्कूल के कोई टीचर जो वरीय शिक्षक होंगे उनका भी यहाँ पर सिग्नेचर करवाना है। और बता दें कि विभाग ने स्पष्ट किया है कि स्कूल निरीक्षण के दौरान पदाधिकारी कर्मी देखेंगे कि मरम्मत का कार्य जो है वहाँ कराया गया है या फिर नहीं। मरम्मत कार्य नहीं किया जाएगा तो स्कूल के प्रधानाध्यापक और प्रभारी प्रधानाध्यापक जिम्मेवार होंगे, यानी कि चेकिंग भी होगी उसके बाद कि क्या जो पैसा भेजा गया इसके लिए मरम्मत इससे जो है हुआ या नहीं। और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा यह जो है ACDC को सांग को उपलब्ध कराया जाएगा। जो भी यह पत्र है DC बिल है यहाँ पर जो है कोषांग को उपलब्ध कराया जाएगा और DM जो है मरम्मत कार्य का यहाँ पर निगरानी करेंगे। देख सकते हैं जो भी जिला का DM होंगे वे सारे स्कूल में यहाँ पर देखेंगे कि मरम्मत कार्य जो है सही ढंग से हुआ है या नहीं। तो हमारा अपडेट रहा आज का, आप लोग को अच्छा लगा वीडियो तो लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।